बिल्कुल, जिधर वो चाहे और जनता वहीं घूम जाए, और डिस्कशन तो खैर उसी तरफ होती नजर आ रही है, लेकिन अब यही जनादेश पाने का अब एकमात्र जरिया रह गया। आरपी सिंह जी, जो मूल मुद्दे हैं उन पर तो हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं तो हम बाबर का जिक्र कर रहे हैं, संभल बांग्लादेश का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यही है ना अब जनादेश पाने का जरिया। एक बार ये फॉर्मूला आपको सूट कर गया, अब आगे की रणनीति भी ये इसी से जग जाहिर हो रही है। पूजा, पहले तो आपके सारे आपके सारे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार, और खास करके राजीव रंजन जी के नए रूप के लिए आज विशेष नमस्कार। आज उनका नया रूप मैंने देखा, वो एक जर्नलिस्ट से, पॉलिटिकल एनालिस्ट से, एक पॉलिटिकल नेता की तरह आज बिल्कुल बात कर रहे थे, एक एक चीज उन्होंने टिप्पणी करी। राजीव रंजन जी, वो जो सम्मेलन था वो राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, और उसमें लोगों को याद दिलाना भी किस प्रकार इस देश में क्या क्या हुआ वह याद दिलाना चाहिए। और बाबर के बारे में लेकर इतना टची क्यों हो जाते हैं हम लोग, मुझे समझ लगता है अगर बाबर की कभी चर्चा करें जैसे लगता है बाबर हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई दादा पर दादा पर नाना, किसी एक रिश्तेदारी में कहीं अपनी डीएनए में कहीं उसका अंश आ जाते हैं, इसलिए इतने टची हो जाते हैं बाबर को लेकर। बाबर के बारे में अगर आपने पढ़ना, और राजीव रंजन जी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग, हमारे पेज नहीं कहते अंग, पेज इसका पेज कहते हैं अंग 360 पे पढ़िए बाबर के बारे में पढ़ना, और पढ़िए बाबर ने कैसे अत्याचार किए थे इस देश के ऊपर, और क्या गुरु नानक देव जी ने कहा था वो पढ़िएगा, ऐति मार पही कुरलाने तैकी दर्द ना आया। तो बाबर के अत्याचार को सब करो, संबल की जो मस्जिद है वो तो बाबर की मस्जिद मानी जाती है, ऐसी अयोध्या की जो मस्जिद थी बाबर की मस्जिद मानी जाती है, और उसी विचार को लेकर आज जो इस प्रकार से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी उसी सोच को लेकर, उसी आइडियोलॉजी को लेकर, बाबर की आइडियोलॉजी को लेकर, कि हमने जो मिनोरिटीज हैं या मिनोरिटीज छोड़ी, मतलब हमने किसी को भी दूसरी विचारधारा को रहने नहीं देना, मतलब बाबर की भी सोच क्या थी कि मेरी विचार जो है वही विचार है, उसके अलावा दूसरी कोई विचार रहेगा नहीं, तो इसमें हिंदू मुसलमान का भी इशू नहीं, विचार का इशू है बोलता तो, और वह विचार मुझे थोपनी है और मुझे उस विचार के चलते कुछ भी करना पड़े वो करूंगा। मैंने कहा ना कि गुरु नानक देव जी को कहना पड़ा कि हे प्रभु, इतनी मार पड़ रही है तेरे रहते हुए इंसान के ऊपर बाबर की तरफ से, और आपको कुछ तरस भी नहीं आ रहा, ये गुरु नानक देव जी को कहना पड़ा। तो अब उस विचार को लेकर आज बांग्लादेश में वही हो रहा है लगभग, कि मतलब एक जमात के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, एक विचार के नाम पर वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं वहां पर। आपने अभी कहा कि किसी को वहां पर बोलने भी नहीं दिया जा रहा, परंतु हाँ, आपका एक राजीव रंजन जी का नया रूप देखा मैंने, अच्छी बात है। पर नहीं तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका भारतीय, उसका संभल से क्या लेना देना, ये समझाइए ना। मैंने कहा ना, मैंने कहा संभल के अंदर सर्वे होगा और सर्वे के अंदर पत्थरबाजी होगी। वो अभी कहा कि हर राजीव रंजन ने कहा कि हर मंदिर पर खुदाई की, कौन से मंदिर के, सॉरी कौन से मस्जिद की खुदाई की बात हो रही है, संभल में की खुदाई की बात तो नहीं हुई वो AS, आपको तो मैं अपेक्षा करता था आप ठीक बताएंगे, वो ASI का की प्रॉपर्टी है, ASI उस पर आप नहीं, उन्होंने कहा RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का वो जिक्र कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की क्या जरूरत है। हाँ मंदिर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी मस्जिद की खुदाई हो रही है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी मस्जिद की, सर्वे होना और खुदाई होना अलग अलग बात है, यही तो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि खुदाई हो रही है, और वो नैरेटिव वहां पर लगाया जाता है कि हम मंदिर, हम अपना मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। पूजा जी एक मिनट रुकिए, वहां पे नैरेटिव, वहां पर जाकर सभा के नेता कहते हैं कि हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, इससे हम खुद शहीद हो जाएंगे। कौन सी मस्जिद शहीद हो रही है, कौन सी मस्जिद तोड़ी जा रही है, यही तो इशू है। एक जबरदस्ती का एक झूठा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ASI के पास 1920 से वो जगह है, वो अपनी जगह पे सर्वे करना चाहते हैं, वो सर्वे करने के लिए एक बार के, दूसरी बार के, 10 बार जाए, उनकी जगह है, उनका मतलब किसी भी संवैधानिक संस्था में विश्वास ना करना, अपनी तरीके से बात करना, माई वे या हाईवे, जो हम करेंगे सब ठीक है, जो बाकी सब करेंगे गलत है, ये मतलब कानून है, व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम नहीं कर सकती आज, और वह कोर्ट से ऑर्डर लाकर अपना अपना जो प्रोसीजर उसको पूरा कर रही है ASI, तो उसमें भी दिक्कत है। तो मैं आज थोड़ा शब्द हूं, मतलब जिस प्रकार से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसमें राजीव रंजन जी उसमें भागीदारी ले रहे हैं कि खुदाई, मतलब खुदाई हो जाएगी जैसे वहां पर कोई, ठीक है, चलिए सवाल तो उठा है ना, ठीक है, रुकिए ना, एक बार रुकिए ना, मैं वापस आ रही हूँ, वापस आपके पास ही आऊं, बोलने दीजिए। आरपी सिंह जी, जिस बात पर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है या आप स्तब्ध हैं, वो बयान मैंने नहीं दिया और न मैंने कहा है, मैंने आप
आपने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, आप उनसे जाके पूछिए कि वो बयान क्यों दिया था उन्होंने कि हर मस्जिद के पीछे नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है। ये बयान उनका है, मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा आरएसएस प्रमुख ने ये बात खुद कही थी। दूसरी बात, जहां तक सर्वे की बात है, एसआई सर्वे करे नहीं करे और वहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा, वहां पर पथरा हुआ, वो अपने आप में एक अलग जगह है। इस देश में छठी क्लास से लेकर के कोई भी बच्चा अगर आरपी सिंह जी पढ़ता है इतिहास, तो उसे मालूम है कि बाबर आक्रांता था, उसने भारत पर हमला किया था, उसने अपने बम, अपने गोला बारूद की वजह से, अपनी तोप की वजह से हिंदुस्तानी राजाओं को हराया, मुगल काल चला, 500 साल मुगलों ने यहाँ राज किया, ये इतिहास में है। और उन्होंने तमाम जगहों पर, जब तलवार से राज चलेगा तो उसमें गर्दन कटेगी, और ये लड़ाइयाँ हुई, मुगल यहाँ पर आए, फिर अंग्रेजों ने उनको हराया, अंग्रेज यहाँ पर रहे। सवाल इसका, ये तो इतिहास का पन्ना है, हम आज वर्तमान में और भविष्य की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम उसी बाबर की और उसी जो 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं इस देश के, जो माइनॉरिटी हैं, क्या हम उसी रास्ते पर आगे पढ़ना चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश चल रहे हैं, और वो धीरे धीरे बर्बाद। अब पाकिस्तान की कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, उससे भी बुरी स्थिति है। कट्टरपंथ के रास्ते पर चल के आज एक ही दिन हम आज़ाद हुए, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। बांग्लादेश सबसे, अगर दक्षिण एशिया में आप देखिए, सबसे नया मुल्क है जो आजाद हुआ, और सबसे तेजी से उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, हमारे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे, इंदिरा गांधी ने ही वो देश बनवाया था, ये सब इतिहास में है। और हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, वहां की प्रधानमंत्री हमारे देश में आई, सबसे ज्यादा दुनिया में बहुत कम मुल्क है जो 95% अपनी जरूरत की दवाएं खुद प्रोड्यूस करते, खुद मैन्युफैक्चर करते, बांग्लादेश उसमें था रेडीमेड। आप तो वरिष्ठ आदमी, आपको क्या बताना है। और वो मुल्क बर्बाद हो रहा है, वहां पर माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं, जो आदमी वकील पुजारी की का केस ले रहा है उसका मर्डर कर दिया जा रहा है, वो किस हालात में जा रहा है। या हमारा एक पड़ोसी तो बर्बाद खत्म है, दूसरा बर्बाद खत्म होने के रास्ते पर है, और क्या उसी तरह की बातें, उसी तरह का माहौल हम अपने देश में बिल्डअप करेंगे, या 21वीं शताब्दी में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, हम वो देश हैं जो यूएस में इंडियंस सबसे ज्यादा पुष्पित और पल्लवित होने वाले पूरी दुनिया में, आज अमेरिका के भीतर भारतीय हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, या फिर हम इन चीजों में कि ये डीएनए एक है, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये माइनॉरिटी, ये मेजॉरिटी, ये मंदिर, ये मस्जिद, इसी के बीच ज्यादा उलझ रहेंगे। चुनाव में तो ठीक है, चलिए आप लोगों को फायदा करता है, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। जी रंजन जी, भारत सरकार की चार स्कीम्स में बताता हूँ आपको। आयुष्मान भारत, 35% मुसलमानों को लाभ मिलता है। किसान सम्मान निधि, 32% मुसलमानों को लाभ मिलता है। आवास योजना, कोई 31% मुसलमानों को लाभ मिलता है। और जो उज्ज्वला स्कीम है उसमें भी कोई 36% मुसलमानों को लाभ मिलता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करी, और 20% आकर आपके हिसाब से 20%, मेरे हिसाब से 15%, पर आपके हिसाब से 20% है, तब भी आप परसेंटेज लगा लीजिए, तो कहां फर्क है। और शायद आपको, आप तो पत्रकार, सीनियर पत्रकार, आपको याद होगा जब सपा की सरकार थी तो तय होता था कि कौन सा गांव मुसलमान का, वहां बिजली पहले जाती थी, बाकी एक, और ये रिकॉर्ड पे मैं आपको भेज दूंगा सब कुछ, और उसके बाद दूसरे गांव में जाती थी। यहां तो आज कुछ भी नहीं इस प्रकार की, आज तो सबको बराबर का अधिकार तो मिलता है। क्या है संबल कनेक्शन बांग्लादेश से, आप ये बताइए ना। संबल का कनेक्शन मैं बता रहा हूँ ना, संबल का कनेक्शन विचार में सुना नहीं। अयोध्या, संबल और बांग्लादेश तीनों विचार की बात है, कि जिस प्रकार से शमशीर की नोक पर हमने किसी भी और विचार को नहीं रहने देना, और सवा मन जनेऊ तोलते थे और बाबर के आगे जो थे वंशज औरंगजेब, सवा मन का समझते हैं आप, 50 किलो जनेऊ रोज तोलता था वो रोज, और फिर नाश्ता करता था। आज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस है, आज गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी किसके लिए दी, उसी विचार के खिलाफ कि आप जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, वही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और वो किस लिए हो रहा है, कि वो वही बाबर की जो विचार थी वो विचार आज बांग्लादेश में लागू हो रही है। यानी यही कहने की कोशिश ना, कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमला, हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, तो वही संभल में वही माइनॉरिटी वही हिंदू है। नहीं, बिल्कुल नहीं, की कोशिश है क्या? संभल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां हुआ? संभल में तो पुलिस और वहां पर जो लोग वहां पर शरारत करना चाहते थे उनके बीच में झगड़ा हुआ,
मैं तो शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, उनके बीच का झगड़ा था, कहां हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता दीजिए, वो कहां था संपल के अंदर, ये बता दीजिए कहीं हिंदू का झगड़ा हो रहा, हमने जबरदस्ती बता ना एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया, खुदाई हो रही है मस्जिदों की, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से एएसआई सर्वे करने गई, 1920 से उसके पास अधिकार थे उसके सर्वे करने के, उन्हीं लागू हो रहे थे। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ही कही ना, भाई मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत क्या है, कहां मंदिर कहां, अरे एक बिल्डिंग है, एक सुनिए, दिल्ली के अंदर शाहजहां का मकबरा है, हमें मत समझाइए, हम तो उनका बयान कोट करके आपको बता रहे हैं। हुमायूं टूम है वो एएसआई के पास है, हुमायूं टूम एएसआई के पास है, कल बोले जी एएसआई वहां पर टूम पे नहीं जा सकते सर्वे करने के लिए, अरे वो हुमायूं टूम एएसआई के पास है। अखिलेश यादव तो चुनौती दे रहे हैं कि अगर डीएनए की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले यहां पर मुख्यमंत्री अपना डीएनए जांच कराए, फिर हम भी कराएंगे, ऐसे मुख्यमंत्री को जो कि यादव का डीएनए पता है सबको, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ना करवाइए, ज्यादा अच्छा है, सबको जानकारी अखिलेश यादव का डीएनए क्या है।